में देख सकते हैं। हम आपको बताएं कि जेनेसिस क्लासेस के इन तमाम स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम एक बहुत ही अच्छे नंबर से, आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वालिफाई किया है और आज किस तरह से सेलिब्रेशन किया जा रहा है करनाल के जेनेसिस क्लासेस में, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो है अब आने वाले समय में डॉक्टर्स जो है बनेंगे, डॉक्टर्स की पढ़ाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त लेकर पहुंचे हैं आज ये बच्चे, तो अपने आप में गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में इनका अपने आप जो है एडमिशन होगा। और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के जेनेसिस क्लासेस से। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर करें। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से उनके तमाम पेरेंट्स भी यहां पर मौजूद है, क्योंकि अपने आप में खुशी की खबर है क्योंकि नीट क्वालिफाई किया है और नीट का रिजल्ट अभी कुछ ही देर पहले आया और करनाल के जेनेसिस क्लासेस के इन तमाम स्टूडेंट्स ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वह भी किसी से कम नहीं है और करनाल शहर का नाम भी जो है इन्होंने रोशन किया है। आप ये तस्वीरें इन तमाम स्टूडेंट्स की देख सकते हैं, अपने अपने पेरेंट्स के साथ ये स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने नंबर आपको आए हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे जेनेसिस क्लासेस के बारे में? सर, मेरा नाम शांतनु चौहान है। मैंने नीट में 666 मार्क्स स्कोर करे हैं। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 325। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे अंक लेकर ये पहुंचे हैं। और इस समय दूसरे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे जेनेसिस क्लासेस ने, आपने नीट की तैयारी की और आज आप टॉपर बने हैं, आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अरुण है और मैंने 607 मार्क्स स्कोर किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब कॉलेजेस में जा रहा हूँ और मेरा ड्रीम सच होने जा रहा है अभी। तो क्या करना चाहेंगे आप आगे, क्या सोचा आपने? मैं अपनी पहले MBBS कंप्लीट करके फिर अपनी कंट्री को सर्व करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें क्योंकि ये वे तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले समय में जो है डॉक्टर्स बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि नीट का एग्जाम एक बहुत ही अच्छे नंबर से इन्होंने क्वालिफाई किया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने आप बारे में और आप जेनेसिस क्लासेस से कब से जुड़े हुए हैं और क्या कहेंगे? मैं लास्ट एक साल से जेनेसिस में पढ़ रहा था और जितेंद्र सर का काफ़ी वो रहा है मेरे लिए। मैं यहाँ पे बाहर से था, हॉस्टल में रहता था, सर ने बहुत ही ध्यान दिया है और मतलब मेरी सक्सेस का एक मेजर पार्ट जितेंद्र सर हैं और मैं सर का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। और सभी टीचर्स ने भी बहुत ही मेहनत की है हम सबके साथ और बस। तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने आप में काफी खुश नजर आ रहे हैं और हम आपको बताएं कि जेनेसिस क्लासेस के किसी भी स्ट्रीम के रिजल्ट्स रहे हो, कंपटीशन के रिजल्ट्स रहे हो, अपने आप में बहुत ही सफल रिजल्ट्स रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफी पेरेंट्स भी पहुंचे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, हम क्या कुछ कहना चाहेंगे। बच्चों ने एक बहुत ही अच्छे नंबर लिए हैं, आपका बच्चा अब डॉक्टर्स की जो है पढ़ाई करना चाहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं भी सबसे पहले जितेंद्र सर को ही थैंक यू बोलना चाहूंगी और पूरी जेनेसिस टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी और बाकी ऊपर वाले का है सब कुछ और बच्चों की मेहनत है। सब बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में बहुत अच्छा करें सभी बच्चे। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आज बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर जेनेसिस में, सभी टीचरों का बहुत अच्छा योगदान रहा है और बच्चों ने खूब मेहनत की है जिसके कारण कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों का योगदान बहुत अच्छा रहा है और बच्चे आगे बढ़ते रहें, हमारी यही शुभकामनाएं। तो ये समय मौजूद है करनाल के जेनेसिस क्लासेस में जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपके बच्चे यहां से पढ़े और आज बहुत ही अच्छे नंबर लेकर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जितेंद्र सर, नवनीत सर, पूरी फैकल्टी को। और मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, आधा मिनट लूंगा। जब हमने एडमिशन के लिए सोचा था, सबसे पहले हमने सोचा था कोटा भेजेंगे बच्चे को, फिर दिल्ली माइंड में आया, फिर मेरा मित्र भाई जय कुमार ने मुझे बताया कि यू शुड गो टू जेनेसिस। जेनेसिस की मैंने जब पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड की थी पहली, मैंने सिर्फ एक शब्द इनसे पूछा था, सर नाम से नहीं पढ़ाने वाले टीचर्स वही रहेंगे या समय के साथ साथ बदलते रहेंगे, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है, कुछ समय तक रहते हैं उसके बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो सर ने मुझे ये कहा था कि आप 100% निश्चित हो जाओ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 100% रिज़ल्ट शांतनु चौहान का जेनेसिस की देन है। ही डिडंट गो एनीवेयर, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ 100% डेडिकेशन के साथ उसने जेनेसिस में किया। और मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, आई एम नॉट स्पीकिंग अ क्रैम्ड स्पीच, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, जेनेसिस इज द बेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खुशी की खबर है, कुछ लड़कियां भी हैं और देख सकते हैं कि लड़कियों ने भी इस बार बाजी मारी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जेनेसिस से आप पढ़े और आज आपने नीट क्वालिफाई किया, बहुत ही अच्छे नंबर लेकर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम महक है, मैं ड्रॉपर बैच में थी, मैं एक साल से नवनीत सर जितेंद्र सर के साथ हूँ
और मेरी काफ़ी हेल्प करी है नवनीत सर और जितेंद्र सर ने। मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती थी पर इसी साल आई है। तो ये आप देख सकते हैं अपने आप में बच्चे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर लेकर हासिल किया है और इस समय जेनेसिस क्लासेस में मौजूद है जहां पर हर साल बहुत ही अच्छे नतीजे जो है जेनेसिस क्लासेस के रहे हैं और नीट के तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा आपको लग रहा है आप नीट क्वालिफाई करके पहुंचे हैं? मेरे 568 मार्क्स हैं। मेरी सक्सेस में जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो सारा जेनेसिस का ही है। मैंने यहीं के स्टडी मटेरियल वगैरह को स्टडी करके इसी को फॉलो करके इतने मार्क्स लाए। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जेनेसिस क्लासेस के जो सर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर आपको एक बार बहुत से बधाई कि आपने बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स जो है तैयार किए और आज नीट क्वालिफाई करके ये तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे हैं अपने अपने परिवारों के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेनेसिस के साथ साथ पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं पर सारे तो क्वालिफाई नहीं कर पाते। जिनके पेरेंट्स साथ में लगते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को, सबकी मेहनत होती है। अगर हम कहें कि सारी इंस्टीट्यूट की मेहनत है या कहीं से फर्स्ट रैंक आ रही है वो इंस्टीट्यूट की वजह से आ रही है, ये कहना गलत होगा। बच्चे की मेहनत है, उसके साथ पेरेंट्स की बहुत बड़ी मेहनत है। और सबसे अच्छी बात है कि छोटे शहर में बहुत कम खर्च करके और बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। जिन बच्चों ने भी ये मार्क्स अच्छे लेकर आए हैं अपने पेरेंट्स के एक एक करोड़ रुपये बचाए हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में लगभग 1 करोड़ फीस लग जाती है। तो मुझे तो इसकी बहुत खुशी है कि हमारे एवरेज फैमिली के बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और मेरे हिसाब से पेरेंट्स को अपने ही, ये नहीं कि जेनेसिस में ही, हर छोटे शहर में अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं। और मेरे हिसाब से 12वीं तक बच्चों को अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहिए और अपने साथ रहने का बहुत बेनिफिट है। बच्चा डिप्रेशन में नहीं आता, करने वाला तो कहीं भी कर जाएगा। तो जो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेज देते हैं और छोटा बच्चा होता है 11th 12th का, बाहर जाके बहुत सारी गलत चीज़ों में पढ़ सकता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने ही शहर में रखें बच्चों को, या भेजते भी हैं तो पेरेंट्स से साथ रहें। और मेरे साथ पेरेंट्स हैं कुछ, जैसे हमारे जयकुमार जी हैं। ये आप देख सकते हैं कि कुछ एक और पेरेंट्स हैं, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। काफी खुश नजर आ रहे हैं पेरेंट्स हैं, क्या कुछ कहेंगे? नीट क्वालिफाई किया आपके बच्चे ने, कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरे को बहुत खुशी हो रही है जी, मेरी बेटी ने नीट क्लियर किया है। और नवनीत सर को और जितेंद्र सर को मैं बधाई देता हूँ। मेरा गाँव पिचोलिया है और पिचोलिया गाँव से हम बेटी को पढ़ाने के लिए यहाँ करनाल में शिफ्ट हुए और गांव पिचोलिया का भी नाम ऊंचा किया मेरी बेटी ने और अपने कुल का, वंश का और जेनेसिस का भी। और इसी तरह से जितने भी बच्चों ने नीट क्लियर किया सभी को मैं बधाई देता हूँ। आगे बेटी बनेगी डॉक्टर और आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बेटी, मैं कहता हूँ बेटी मेरा ईमान है। बेटी है ना, आज जो नरेंद्र भाई मोदी ने मुहिम चलाई हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसको साकार करने के लिए जेनेसिस कोचिंग सेंटर का पूरा पूरा हाथ है जी, आशीर्वाद है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? नमस्कार जी, मैं बहुत खुश हूँ। आज जिस लक्ष्य को लेकर के मैं गांव स्टोंडी से आया था, दो बच्चे हैं मेरे, दोनों जो हैं वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बड़ा थर्ड ईयर में है और दूसरा जो है अभी नीट क्वालिफाई करके, और उसको बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद है जितेंद्र सर का, नवनीत सर का, तमाम जेनेसिस फैकल्टी का, जिन्होंने बहुत दिल लगा करके इन बच्चों को अपने बच्चे जैसा समझ करके और यहाँ पर जो है कोचिंग दी है। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जेनेसिस इंस्टीट्यूट के। कुछ और पेरेंट्स हैं सर, क्या कुछ संक्षिप्त में कहना चाहेंगे जेनेसिस क्लासेस के बारे में? सभी को नमस्कार। मैं यहाँ 2-3 साल से रह रहा हूँ, इस जेनेसिस क्लास को देख रहा हूँ। यहाँ पे चाहे छोटे छोटे जो PN है और चाहे यहाँ के डायरेक्टर हो, वो एक्सट्रीमली हेल्पफुल हैं सभी के लिए। और मैंने जब से बच्चे को दाखिल कराया, कभी बच्चे को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी भी पढ़ ले। तो यहाँ पे जो नवनीत सर है वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो हमेशा बच्चे को इनक्रेज करते रहे हैं और उसको गाइड करते रहे हैं। मुझे कभी भी अपने बच्चे को ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने तो सिर्फ ये कहता हूँ, मैंने ये एक तरह से बच्चा उनको गोद दिया था और आज मुझे बड़ी खुशी है। और बहुत 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 धन्यवाद नवनीत जी का, जिन्होंने मेरे बच्चे को डॉक्टर बनने लायक बनाया। धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि तमाम पेरेंट्स जो हैं गुरुओं का किस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं जेनेसिस क्लासेस के। ये तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया, ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि बहुत ही अच्छे अंक लेकर पहुंचे हैं, जिससे इनको अब डोनेशंस देकर महंगे कॉलेजेस में नहीं जाना पड़ेगा। तकरीबन स्टूडेंट्स जेनेसिस क्लासेस के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप लेकर जो है पढ़ाई करेंगे। तो एक बार इन तमाम स्टूडेंट्स को, इनके टीचर्स को, जेनेसिस क्लासेस प्रबंधन को और इन तमाम पेरेंट्स को नीट क्वालिफाई करने पर इनको बहुत बहुत बधाई। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।